मोदी सरकार अंग्रेजा तो अगे निकल का यतन ना करे, गुरदीप गोशा। यूथ अकाली दल लुधियाणा के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजा के राज का हशर याद करे। उन्होंने भी 1906 किसान विरोधी बिल लिया, 9 महीने के संघर्ष बाद अंग्रेजी राज 1907 झुकना पिया। उस करके हौली हौली अंग्रेजी राज की जड़ पुट्टी गई सी। जिसने भी लोगों नाल धक्का किया उसका वक्त इतिहास में लिखा। इंज प्रतीत हुंदा है मोदी सरकार अंग्रेजा नूं पिछे छड्डण की दौड़ में शामिल हो गई है। जो माड़ा हशर अंग्रेजा का होया सी उही मोदी सरकार का होना है। ये तीनों काले कानून जल्दी तो जल्दी वापस लेने चाहिए हैं। अज गुरदीप सिंह गोशा वालों रोस वजों काले झंडे लगा के किया गया विरोध। जे न्यूज पंजाबी लई लुधियाणा तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। मन हाली किरसाणी करनी सरम पाणी तन खेत, गुरु नानक साहब का शब्द है जी। अज 6 महीने हो चुके हैं किसानों नूं दिल्ली डेरे लाए हुए, पर मैं समझदा कि मोदी सरकार, क्योंकि 1907 दे विच भी 9 महीने अंग्रेजा ने जिहड़ा जुल्म किया सी, 9 महीने बाद किसानों के संघर्ष बाद वह हल निकले से, शायद मोदी सरकार उस जिद के 9 महीने पार करना चाहती है। पर गलत है, राजा वह हुंदा जिहड़ा प्रजा के नाल खड़े। अज 6 महीने हो चुके, अज काला झंडा दिवस किसानों वालों कॉल से श्रोमणी अकाली दल ने पूरा पहरा दिता हर गल के उत्ते, अज भी पहरा दे रहे, अज भी काले झंडे घरों के लाए हैं, जो सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब बिक्रम सिंह जिठिया साहब वालों जो हुक्म से। तो मैं बेनती कराँगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मोदी साहब की सरकार कि जल्दी किसानों का हल करो। 6 महीने तो उत्ते हो चुके, तो किन्ने किसान इस प्रोटेस्ट की छात चढ़ चुके हैं। तो मैं बेनती करता राजा चंगा राजा हों जे अपने प्रजा के सुख दुख में खड़े, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।